सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विक्रांत YT 1 मिलियन में। तो गाइज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, एंड अगर समय पर नए हो तो सब्सक्राइब फटाफट मारो, फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम धमाकेदार रील्स की एडिटिंग टोटल बताने वाले हैं। तो रील्स का टोटल शुरू करना, आपने थंबनेल पे देखा ही होगा हम किस टाइप की रील्स बनाने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले हमको दो एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, पिक्सल लैब एंड ए लाइट मोशन। और VN की जो ट्रिक है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। एंड पिक्सल लैब के अंदर ओपन कीजिए, पिक्सल लैब के अंदर ओपन होते गाइस उसके अंदर आपको करना क्या है, कैंसिल के ऊपर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे जाओगे टैब को ओपन करोगे, फिर टेक्स्ट को हटा दोगे एंड यहाँ जाओगे, एंड जो भी कोई अपनी जिस शायरी पे आपको वीडियो बनाना है वो वाली आप शायरी यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हो, देन आपकी शायरी यहाँ पे हो जाएगी पेस्ट। फिर गाइस आप क्या करोगे, इस शायरी को थोड़ा सा अपने हिसाब से लेवल में कंट्रोलिंग कर लोगे, मतलब ऊपर वाली शायरी को थोड़ा इस हिसाब से रखना है, ठीक है। तो देन ये कुछ इस प्रकार शायरी बनेगी जिसको आप थोड़ा सा ऐसा करके अपने हिसाब से वापस लेवल में ले सकते हो। देन गाइस देखो हमारी जो वीडियो है वो इस टाइप से कुछ शायरी वो आ जाएगी। फिर गाइस मैं जाऊंगा सीधा तो सिंपली भागते हुए एंड यहाँ से ले लूँगा कलर है वो गाइस का कर दूँगा वाइट, एंड चले जाऊँगा टैक्स फंड के अंदर, एंड यहाँ फंड के अंदर जाके मैं कोई भी एक आध फंड ले लूँगा, इस टाइप की बड़ी वाली जो फंड हो वो वाली अच्छी वाली उसको ले लूँगा एंड ऐसा कर दूँगा। देन यहाँ पे जाऊँगा इमोजी के ऊपर, एंड यहाँ सारी इमोजी को हटा के जाऊँगा इमोजी के अंदर, एंड यहाँ जाके जो भी इमोजी है मैं उसका गाइस एड ले लूँगा। देन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा रेडी, एंड यहाँ पे गाइस मैं इसको रख के सेव कर दूँगा। अब गाइस जाऊँगा बैकग्राउंड ट्रांसलेशन के अंदर एंड यहाँ जाके सेव कर दूँगा इस फाइल को। तो देन ये सेव हो गया है। देन गाइस अब आपको करना है सिंपल इसे ए लाइट मोशन को ओपन, देन हमारा ए लाइट मोशन है वो ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए गाइस, हमारा ए लाइट हो गया ऑन। तो यहाँ पे जाएंगे प्लस का आइकन के ऊपर एंड यहाँ पे करेंगे क्रिएट टू प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, एंड देन प्रोजेक्ट हो जाएगा कुछ हमारा इस प्रकार से ओपन। देन यहाँ प्लस का आइकन को जाओगे, मीडिया में जाओगे और ये सेप्स के अंदर जाके पहले एक सेप्स ले लोगे आप यहाँ से, और सेप्स का जो कलर होगा गाइस आप यहाँ जाओगे ब्लेंडिंग में कर दोगे ब्लर, एंड फिर गाइस उसका शेप है यहाँ से पकड़ सो गाइस आप कर दोगे एकदम से बड़ा, ये हो गया बड़ा, ठीक है। एंड देन वापस जाओगे प्लस का आइकन के ऊपर मीडिया में, एंड यहाँ पे जो गाइस अपन ने जो भी शायरी बनाई है वो वाली यहाँ पे आप गाइस ले लोगे। देन गाइस मेरी भी सेव नहीं हुई हुई है तो मैं इसको ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए गाइस, ठीक है। देन इस प्रकार जाऊँगा, एंड आपको फिर से जाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यानी गाइस प्रोजेक्ट का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वो उसको डाउनलोड करके आप ए लाइट मोशन में ले आइए। फिर जाइए आप इसके प्रोजेक्ट के अंदर इम्पैक्ट के अंदर आइए, इसके सारे जो इम्पैक्ट है वो आप यहाँ से कर दोगे कॉपी, एंड देन आ जाओगे वापस से उसी प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट का हम बना रहे हैं। देन यहाँ पे आओगे एंड ये जो हमारा जब हमने जो शायरी बनाई है पिक्सल लैब में वहाँ जाके इम्पैक्ट को पेस्ट कर दोगे। तो गाइस आप देख सकते हो वो किस प्रकार से इस टाइप से बन रहा है हमारे। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ एक बार, गाइस मैं कर ले आपको दिखा दूँ शायरी लिख के दिखा देता हूँ। तो देन जाऊंगा यहाँ पे गाइस एंड गाइस ये वाले जो मैंने शायरी है वो लिखी है, देन जाऊंगा मीडिया में, मैं इसका ब्लेंडिंग का जो कलर है वो गाइस कर दूंगा वाइट, इसका जो कलर है वो शायरी का हमारा ब्लैक है, इसका जो गाइस वो मैं कर दूंगा इस प्रकार से कलर। फिर जाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर इम्पैक्ट के ऊपर एंड सारे इम्पैक्ट यहाँ पेस्ट कर दूंगा, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप से कुछ काम कर रहा है। फिर आपको दिखा देता हूँ मैं किस प्रकार से काम करेगा ये, ठीक है आपके सामने देखो ये वाला, तो इस प्रकार से आपके इंटरफेल काम करेगी ये वाली इम्पैक्ट। फिर आप इस इम्पैक्ट को यहाँ से सेव भी कर सकते हो अपने हिसाब से, एडजस्टमेंट करके जो भी साइज रखना है उतना साइज करके उसको एकदम से लेवल वाला बना सकते हो। देन हमारे वीडियो में इतना ही।